हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हाँ, बढ़िया रहना। हाँ यार, ये डायलॉग ना मेरे दोस्त का है, मुझे बोलते हैं बड़ा मज़ा आता है कि बढ़िया रहना। हाँ तो भाई, हमारे जो पिछला एपिसोड था, पिछले एपिसोड में सैयन पहुँच चुके थे हमारे जी वॉरियर के पास, जितने भी जी योद्धा है, और उनमें से उन्होंने जमीन में से उन्होंने कुछ बीज बोए थे, जिनमें से साहिबा बहन नाम के थोड़े से एलियन निकले थे, और उन्होंने कहा था कि अब इनकी फाइट उनसे होगी और हम सिर्फ लड़ाई के मजे लेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे फाइट में। और साहिबा मैन जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाए जा रहे हैं, और वो छः हैं साहिबा मैन, और हमारे जी वॉरियर तीन, उनमें से एक तो बच्चा है और उनमें सबसे ताकतवर पिकोलो है। तो 6 vs 3, देखते हैं क्या नतीजा होगा इसका। लेकिन तभी हमें कुछ और देखने को मिलता है, और वो क्या देखने को मिलता है आप खुद ही देखिएगा। पहले तो जो साहिबा मैन होते हैं वो अटैक कर देते हैं, और जैसे वो अटैक करते हैं उन्हें कोई मारता है अचानक से, और गोहान तो उन्हें देख भी नहीं पाता, और भाव में मारता हुआ दिखाया जाता है क्रिलिन और पिकोलो, उन्हें मारते हैं और बचते हैं। और अचानक से तभी एक साहिबा मैन पीछे से आ जाता है और वो गोहान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे पिकोलो सामा को गुस्सा आ जाता है, और पिकोलो सैन आके एकदम गोहान के सामने खड़े होते हैं और गोहान को कहते हैं जरा तुम उन्हें महसूस करो। गोहान बोलता है कि मैं तो उन्हें देख भी नहीं पा रहा। फिर पिकोलो से समझाता है गोहान को कि एक काम करो, तुम बिना उन्हें महसूस करने की कोशिश करो तो तुम ऐसे उन्हें देख पाओगे। तो गोहान अपने कानों से सुनने की और आंखों से बिना देखे उसे आंखें बंद कर महसूस करने के लिए बोलता है, तो उसे आवाज़ आने लगती है और बहुत ही उल्टा पुलटा कुछ दिखता है। उनकी स्पीड लड़ने की इतनी ज़्यादा तेज होती है कि गोहान देख नहीं पा रहा था, लेकिन अब उसने ट्रेनिंग करी है पिकोलो के पास, और पिकोलो ने उसे कुछ ट्रिक बताई है जिसके कारण अब वो उसे देख पा रहा है उन सबको। तो तभी वहाँ पे यामचा आ जाता है, जिसे वो देखकर खुश हो जाता है। टीएन और चेसू पहले आ गए थे उनके पास, तो अब वो 6 हो चुके हैं। अब साहिबा मैन की 6 vs 6 फाइट होने वाली है, तो वेजिटा बोलता है अब 1 vs 1 फाइट होगी, ये कैसा रहेगा, मज़ा आएगा। तो मैं कहता हूँ कि एक बंदा तुम्हारा और एक साहिबा मैन आएगा, इसे थोड़ा सा मज़ेदार बनाते हैं। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, पहले मैं जाऊँगा। टीएन पहले लड़ने के लिए जाता है, और साहिबा मैन को बोलता है क्या जाओ, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो इधर आ जाओ, कौन है ऐसा जो मुझसे लड़ना चाहता है। तो फिर उनमें से भी एक साहिबा मैन आ जाता है, और टीएन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर न्यूज़ वाले बंदे भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर न्यूज़ के लिए आ जाते हैं, और वो कहते हैं वो रहे देखो सैयन, वो लड़ रहे। तो तभी नापा अपने हाथ से एक पावर बनाता है और फिर से एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है जड़ समेत। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साहिबा मैन की हालत टाइट है, टीएन भी सोच रहा है कि क्या इतनी आसानी से एक झटके में सब खत्म कर दिया। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो अपना यादूरो भी है वो पार्टी कर रहा है मजे में, और पूरा खाना तोड़ रखा उस बंदे ने तो, और खाता ही जा रहा हूँ, और बता रहा कि मेरे आदमी उससे लड़ रहे और मेरे आदमी उसे रोक ले गए, और लेकिन वो मन में सोचता रहोगी ऐसा हो सको कि काश यू मेरी आखिरी पार्टी भी हो सको। और फिर हमें तभी एक और सीन दिखाया जा, उसके अंदर हमें दिखाया जा जो बुलमा है ना, बुलमा के पापा में वो उसके पास मास्टर रोशी के, और मास्टर रोशी उसे कहोगे क्या तुम्हें तो फाइट में जाना चाहिए था, वहाँ से सब लड़ रहे। वो कहो वहाँ से एकदम चीची आ जाए, चीची कहो मेरा गोहान कहाँ, तो कहो कि गोहान उन दो सैयन से लड़ रहा जिनके साथ लड़ते हो, जिनके एक सैयन के साथ लड़ते हो गोको मारा गया था, गो क्या ऐसा नहीं हो सकता, और वो बेहोश हो गया। और फिर तो हम तभी फिर वो फाइट वाला सीन दिखाया जाए, वहाँ पे सब खड़े हुए और उनकी फाइट शुरू हो गई टीएन की और साहिबा मैन की, और टीएन पूरी स्पीड से भागता हुआ जाऊँ और उसके मुक्का मारूँ, लेकिन वो वहाँ से निकल जा और अपने सिर में से कुछ एसिड सा नहीं फेंको, और जो एसिड वो जब ज़मीन पर गिरो वो बिल्कुल गोहान के पास गिरने वाला हो, लेकिन पिकोलो उस गोहान को बचा ले और ज़मीन पर जहाँ जहाँ गिरो वहाँ से गड्ढा हो जाए, यानी वो एक तरह का तेजाब हो। और फिर टीएन उसको मारो और उसको बचता रहो, और फिर टीएन उसको एक ही मुक्का मारो, हल्का सा लगो उसको, और एक ही मुक्के में उसकी कहानी ख़त्म कर दे। साहिबा मैन का जो पावर लेवल हो वो 1200, वो कहो नापा कि इसका तो पावर लेवल 1200 और क्यों आसानी से कैसे आ गया, वो कहो कि ये शायद हमारे डाटा में नहीं आया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए पहले के हिसाब से। फिर वो खड़े होने की कोशिश करो, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता, और विजिता को गुस्सा आ जा, और विजिता उस साहिबा मैन को एक हमला करो और उसके चीतरे कर दे, उसे एकदम से ख़त्म कर दे पूरे तरीके से, सब चौंक जाओ क्योंकि ये कैसे इंसान हो, ये अपने आदमी को कैसे मार रहे। फिर तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाए, उस सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है जो अपना गोगो है वो पूरी स्पीड से आ रहा है और बोलता है पिकोलो मेरे आने तक संभाल लेना, क्योंकि उसे पता है कि पृथ्वी पर गोगो के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर पिकोलो ही है इस दौरान। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है वापस फाइट वाला, वो नापा पूछता है क्यों तुमने ऐसा क्यों किया, तो विजिटा बोलता है वैसे भी अब कमज़ोर हो गया था और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो हार जाते हैं,
तो पिकोलो सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर हमें तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, जो ये अपने समाचार वाले हैं ना, न्यूज़ वाले, ये बंदे पहाड़ पे काफ़ी दूर से जूम करके वीडियो बना रहे हैं जिससे कि न्यूज़ कैप्चर कर सको। वो नहीं बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन कहो कि शायद हम यहाँ से सेफ रहोगे। फिर तभी हमें एक और चीज़ दिखाई जाता, एक बिजली चकोड़ को बहुत खतरनाक, और बादल सारे इकट्ठा होने शुरू हो जाता। वो सोचते हो कि तो अब तो फिर मैं सोचो कि अब क्या होगा। लेकिन वो कहो विजिटा तो अब अगला कौन आओगा, तो क्रिलिन कहो कि मैं जाऊंगा, और यामचा कहो नहीं मैं जाऊंगा। यामचा उसे समझा दे कि मैं जाऊंगा, और मैं बिना इन पांचों को भी मार दूंगा बाकी को, और मैं अकेला ही काफ़ी इन सब के लिए। तो क्रिलिन कहो क्या तुम सच कह रहे हो, तो यामचा यहाँ को चला जा। यामचा यहाँ से हमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखा रखा। वो कहो कि इन सयाबयान को हल्के मना लो, तो यामचा कहो हाँ मुझे भी तुम हल्के मना लो। फिर तभी हमें दिखाया जा कि बुलमा उसके पास बैठी चीची के, चीची बेहोश हो। तो फिर वहाँ से हमें दिखाया जा कि मैं टीवी देख रही, टीवी में भी ना यामचा लड़ने के लिए दिखाया जा रहा है, जो सीन वहाँ चल रहा, मतलब कि और बुलमा ये देखो बहुत कुछ सुन लो। आपको पता होगा कि बुलमा थोड़ी सी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और फिर तभी उलम बोल लो कि बुलमा देखो तुम कितनी खुश रही हो, तुम उसे पसंद करती हो। तो बुलमा एकदम शर्मा जाती है और कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर कहो गोहान भी खड़ा वहाँ से, और कहो कि गोहान तो अब पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं ही सब मास्टरों से अगर सब बात कर रहे हैं कामी हाउस की। तो गोहान को देखो एकदम चीची सीओ सुन को एकदम उठ जा, देखो मेरा गोहान, और फिर बेहोश हो जाओ। और फिर हम तभी वही फाइट वाला सीन दिखाया जा, फिर हमें दूसरा सीन गोकू वाला दिखाया जा कि गोकू भी आ रहा, और फिर धमसो वही वाला सीन दिखाया जा फाइट का, जहाँ से उनकी फाइट स्टार्ट हो रही थी। और जैसे उनकी फाइट स्टार्ट हो गई, तो उनके वो बिना उन्होंने महसूस करने की कोशिश कर रहा था, क्रिलिन भी और चियासु भी, और गोहान भी अपने कानों से महसूस करने की कोशिश कर रहा था और देख भी पा रहा था अब तो। और फिर वो उनकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि मैं कभी कहीं अभी यहाँ से तो अभी उधर, कभी पहाड़ पर कभी ज़मीन पर, इतनी स्पीड से लड़ रहे थे। लेकिन जो टी एन इससे ज़्यादा ताकतवर था यामचा से लड़ते वक्त, और बल्कि ये उसने तो बहुत कम हमले में हरा दिया था, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लड़ रहा था, सारे अटैक से बच रहा था उसकी, और स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे यामचा उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा, जैसे कि यामचा उसे मारना नहीं चाह रहा, और वो यामचा के ऊपर अटैक करो, यामचा उसके सारे अटैक दो उसको ले, और एक अटैक दो हवा के अंदर, हवा में करो यामचा के ऊपर, और अचानक सो यामचा गायब हो जाए, और गायब होकर उसके पीछे आता, पीछे आकर उसको मार दे, और पीछे आते हुए उसको काम है हमें हाँ मारो, और जिससे वो ज़मीन पर जाकर गिर जाए और उसकी हालत ख़राब हो जाए, वो मरने की हालत में हो जाओ। तो ये देखो वो सब खुश हो जा, जो कामी हाउस उन्होंने देख रहे हो शानदार, ये यामचा आपने कर दिखाया, आप सच मुझ कमाल हो। तो ये देखो उनकी रेडिट की उसकी विजिता की और नापा की हालत ख़राब हो जाती है, एक के बाद एक जीतते जा रहे हो। कहो ये मोस्टर इतना भी ज़्यादा ताकतवर नहीं था यामचा कहो, और यामचा ये भी कहो कि बाकी के चारों को भी मैं अकेला ही संभालूंगा, चारों को एक साथ भेज दो। वो टी एन कहो क्या तू अकेला ही संभाल लूगा, लेकिन तभी अचानक से पीछे से वो मॉन्स्टर उठो और उठो यामचा के ऊपर चिपक जा, और यामचा के हाथों को इस तरीके से पकड़ ले कि यामचा छूटने की कोशिश करो, लेकिन छूट नहीं पाता। लेकिन यामचा धोखे से फंसा गया, और अचानक से वो अपने आप को फटका ले जो वो साहिबा मैन हो, और जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका हो, और फिर हम वो दूसरा सीन दिखाया जा कि वहाँ इसी मरा पड़ा हो यामचा, या फिर बेहोश पड़ा, और फिर क्रिलिन उसके पास जाओ, जाकर देखोगे इसकी तो सांस भी नहीं चल रही। तो क्रिलिन समझ जाए मर गया, और क्रिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, इतना गुस्सा हो कि ज़मीन को जो मिट्टी पड़ी हो ना उसकी मुट्ठी बना ले, और पूरे गुस्सा हो जाए। और फिर हम वापस वाला कामे हाउस का सीन दिखाया जाए, जहाँ बुलमा उसे देख रही थी, बुलमा रोना शुरू कर दे, और वहाँ पे जितने बंदे हो ना वो लोग वगैरह, वो उसकी बिल्ली, ये सब रोना शुरू कर दे, इनकी आंखों में पानी आ जा। और मेरे को क्या हुआ यामचा सैन को, क्या यामचा सैन मर गया। फिर बुलमा बोलो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर मास्टर रोची को देखो नहीं करके रोना शुरू कर दे, बहुत रोना शुरू कर दे। फिर हमें तभी वापस वाला सीन दिखाया जा क्रिलिन का, क्रिलिन बैठा, और क्रिलिन बहुत शांत और रोने वाली हालत में, और वो कहो क्रिलिन कि मुझे पहले ही लग रहा था, यामचा को पहले ही पता था कि ऐसा हो सको, तो इसलिए वो खुद लड़ने के लिए गया, उसने मुझे बचाने की कोशिश करी, लेकिन अब तुम्हें इसका अंजाम देखना पड़ेगा सही है, अब तुम्हें पता नहीं तुम्हें क्या देखना पड़ेगा। और क्रिलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जा, ना जो उन्होंने ट्रेनिंग कर रखी ना, मैं अपनी सारी पावर बाहर निकाल लो, और कुछ अपने हाथ ऊपर वो करो, और कुछ बनाने की कोशिश करो, जो दिखाया जा हमें जिसका पावर लेवल काफ़ी बढ़िया जा रहा, और वो कुछ बना रहा। अब देखोगे अगले एपिसोड में क्या होगा, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
गाइज मैं आपको एक चीज़ कहना भूल गया कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपकी कमेंट बहुत ही प्यार से पढ़ता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी कमेंट पढ़ना और उनके जवाब देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।